नमस्कार, आज हम हिंदुस्तान के दर्शकों को अपने चैनल का एक स्पेशल कार्यक्रम जलवा 2022 उत्तर प्रदेश में चुनावी युद्ध छिड़ चुका है, किसकी बनेगी सरकार, कौन होगा यूपी का सरताज, अपने इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के लोगों का रुझान अपने हिंदुस्तान के दर्शकों को दिखा रहे हैं और सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं। हम अपने एक जनरल कार्यक्रम सरगर्मी चुनाव की बढ़ गई है 2022 का। उत्तर प्रदेश पूरे भारत को पूरे दुनिया को उत्तर देता है, लेकिन हम जनता के माध्यम से 2022 अपने जलवा कार्यक्रम का उत्तर पूरे हिंदुस्तान पूरे भारत के लोगों को दर्शकों को दिखा रहे हैं और सच्चाई से रूबरू करा रहे हैं। यह जो स्थान है यह रामपुर है, इसको दिखा दीजिएगा। रामपुर थाना ये बगल में है, रामपुर थाने के बगल में सट्टी है, मंडी है, सब्जी मंडी देखने से लग रहा है कि ऐसा मंडी बड़ा कम मिलेगा। तमाम तरह के जो है खाने के सब्जी के आइटम यहाँ पर जो है बड़े अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, लोग भी बड़े अच्छे दिख रहे हैं। जौनपुर के जो लोग हैं, कहा जाता है कि वह जो है सच्चे और अच्छे होते हैं, तो मैं जौनपुर के लोगों के माध्यम से अपने कार्यक्रम को पूरे हिंदुस्तान पूरे देश के लोगों को रूबरू करा रहा हूँ। सर, बड़ा अच्छा लग रहा है सर, और आपका पहनावा तो लग रहा है कि बड़े घर के लोग हैं। अरे हैं आप, आपका नाम क्या है सर? नंदलाल जी, थोड़ा सा अच्छा तेज बोलिएगा। कुमार नहीं, पूरा नाम बताइए। कोई बात नहीं, नंदलाल जसवाल। नंदलाल जी, 2022 नज़दीक है, चुनाव नज़दीक है, कौन सी पार्टी आपके लिए बढ़िया है और किस पार्टी को आपको मतलब वोट? सवाल है कि योगी है कि मतलब योगी माने भाजपा को? हाँ, भाजपा। तो क्यों देंगे भाजपा को? अभी का जाने देख। मतलब आप भाजपा ही जो है सर, मतलब जो है पुराना है एकदम। अच्छा सर, आपका क्या नाम पड़ेगा? हाँ असलम जी। हाँ, किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे? सपा को। जिंदाबाद। सपा को क्यों देंगे? अगला जो है अखिलेश ने काम किया है, योगी जिंदाबाद। अखिलेश यादव को देंगे? कौन नंबर दिए है? 112 दिए, सब दिए है अखिलेश। अखिलेश यादव। चलिए असलम जी, असलम का जुड़ाव अखिलेश और सपा के साथ है। भैया आपका क्या नाम पड़ेगा? सुधांशु चौरसिया। सुधांशु जी, किस पार्टी को वोट देंगे आप 2022 में? हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। क्यों देंगे सपा को आप? सपा को इसलिए देंगे कि सपा सरकार में अच्छा काम हुआ था। क्या अच्छा काम हुआ? जैसे 112 देख लीजिए, 100 नंबर देख लीजिए और 108 देख लीजिए। नहीं, योगी आदित्यनाथ ने काम बढ़िया नहीं किया, भाजपा ने बढ़िया काम नहीं किया? नहीं, भाजपा ने तो बढ़िया काम किया, लेकिन सिर्फ उद्घाटन कर रहे हैं, जाके पिता काट रहे हैं, शिलान्यास का शिलान्यास कर रहे हैं। मतलब आपके कहने का मतलब कि समाजवादी पार्टी के काम को, कांग्रेस के काम को लोकार्पण और उद्घाटन कर रहे हैं? जी जी। तो आपका पसंदीदा पार्टी सपा है और अखिलेश यादव को आप वोट देंगे, सपा को वोट देंगे? जी जी। चलिए ठीक है, भैया आपका क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम बबलू कुमार सोनकर। बबलू जी, थोड़ा तेज बोलिएगा। बबलू कुमार सोनकर। कहाँ के रहने वाले हैं? रामपुर के। मतलब किसको वोट देंगे, किस पार्टी को? योगी जी को। क्यों देंगे आप भाजपा को वोट? अरे उनका विकास कार्य बहुत ज्यादा है। मतलब योगी आदित्यनाथ और भाजपा का विकास बहुत ज़्यादा है? हाँ। क्या विकास किया? अरे विकास किए है, जैसे कि आवास और गरीबों को राशन, बिजली, सड़क। महंगाई बढ़ा है सर? महंगाई, विकास होगा तो महंगाई धीरे धीरे ऑटोमेटिक बढ़ेगा। बेरोजगारी पर क्या आपको, आप भाजपा के साथ हैं? हम भाजपा के साथ हैं, बेरोजगारी कुछ नहीं है, धीरे धीरे सब सिस्टम सही है। आप मिला लीजिए, सपा से ज़्यादा हर रोजगार इसमें मिला है बीजेपी में। मतलब सपा से ज्यादा रोजगार मिला है, लेकिन किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। सपा में यह होता था कि जैसे जो उनके पार्टी के लोग थे उन्हीं को नौकरी मिल रहा था, और योगी सरकार में वो है कि जैसे सब समान है, सबको मिल रहा है, इसलिए योगी मोदी जिंदाबाद। हमारा नाम बच्चन मिश्रा है। बच्चन जी, बड़ा अच्छा लगा। बच्चन, अमिताभ बच्चन से नहीं ना जुड़े हैं? नहीं, अमिताभ बच्चन नहीं भाई, वो तो महान पुरुष है, हम तो सामान्य आदमी हैं। नहीं, आप भी बच्चन मिश्रा ब्राह्मण कौम में हैं, तो ब्राह्मण बहुत महान होता है दुनिया में, आप भी कम नहीं है। आपका पसंदीदा पार्टी उत्तर प्रदेश 2022 सरगर्मी है और चुनाव का युद्ध छिड़ चुका है, तो आप लड़ाई में किसके साथ रहेंगे, किस पार्टी को वोट देंगे? देखिए भाई, हम योगी सरकार वोट देंगे, इसलिए वोट देंगे जो है, देखिए आज के पहले 2017 के पहले कानून व्यवस्था की क्या स्थिति थी। आज सरकार द्वारा समर्थित कोई भी अपराध नहीं हो रहा है, अगर अपराध हो रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सेकंड बात रही नौकरियों की बात, तो हमने वह दिन भी देखा है जब जो है लोक सेवा आयोग की कोई भी प्रतियोगी परीक्षाएं जो है बिना भ्रष्टाचार के जो है वह पूरी नहीं होती थी,
उस चीज जो कापियां सुरक्षित रखी जानी चाहिए थी वह कापियां जला दी गई। आखिर क्यों जला दी गई, किसने जला दी गई? अगर आप पारदर्शीपूर्ण तरीके से अगर आप नौकरी दिए हैं तो आपको कापियां नहीं जलानी चाहिए थी। आज 69,000 शिक्षकों की भर्ती हुई, इसमें कोई आरोप नहीं लगा रहा है। 1.5 लाख सिपाहियों की भर्ती हुई, कोई आरोप नहीं लगा रहा है। नहीं, ब्राह्मणों पर बोले, ब्राह्मणों पर अत्याचार हुआ है सरकार में कि नहीं? ब्राह्मणों पर अत्याचार क्यों कहा जाए? अपराधी माफियाओं की कोई याद नहीं होती क्या? ब्राह्मण अपराधी ब्राह्मण की हत्या नहीं करेगा क्या? ठाकुर अपराधी ठाकुर की हत्या नहीं करेगा? यही कानपुर का जो विकास दुबे कांड हुआ, इसमें अगर जो है वह कार्रवाई नहीं होती तो यही जो है विपक्ष जो है पूरा आकाश सिर पर उठा लेता। उसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई हुई, मारे गए अपराधी, अपराधियों की जगह सब लोगों का क्या कहना है कि सुशील सिंह, ब्रजेश सिंह, धनंजय सिंह, राजा भैया ये ठाकुर समाज से हैं, इन पर कार्रवाई नहीं हुआ, इस पर आपका क्या कहना? नहीं नहीं, देखिए नहीं देखिए अब मैं यह कह रहा हूँ, क्या ब्रजेश समर्थित कोई अपराध हो रहा है? क्या धनंजय समर्थित कोई अपराध हो रहा है? इनके आदमी कोई अपराध कर रहे हैं? अपराधी चाहे जो भी जिस कौम की हो, सरकार उसे बख्शने वाली नहीं है। मैं सरकार के जो है कार्यों से एकदम बच्चन जी 200 नंबर में से भाजपा को कितना देना चाहेंगे आप? मैं तो 200 नंबर दूंगा, इसलिए नंबर दूंगा ना, बुरा मत मानिएगा। हम लोग जो है जिस खेत में पानी जाता था लाइन कट जाती थी, लाइन कट जाती थी, फिर जो है 2 घंटे बाद लाइन आती थी, फिर उसे खेत में पानी जाता था। कितना जो है नंबर देंगे आप? नहीं, 200 में तो हम 190 नंबर से भी ज्यादा देंगे, इसलिए कि लाइन हमें 20 घंटे बच्चन जी मिल रही है। बच्चन जी बहुत बड़ा नाम, बच्चन मी मिश्रा नाम है, बच्चन जी ने भाजपा को 200 में से 200 नंबर दे दिया। इनका कहना है कि अमिताभ बच्चन भले महान है, अमिताभ बच्चन तो महान है, लेकिन इनकी विचारधाराएं अमिताभ बच्चन से कम नहीं दिख रही है। अब आते हैं, आपका क्या नाम पड़ेगा? नीरज जी, किस पार्टी को वोट देना चाहेंगे 2022 में? क्यों भाजपा को क्यों वोट देंगे? अच्छा काम है, अच्छा काम है। हाँ। सारा काम अच्छा है। अरे गरीबों का मसीहा है योगी जी। किसके? गरीबों का मसीहा है, गरीबों की मसीहा। हाँ। लेकिन मुस्लिम कौम, कुछ कौम तो कहता है कि योगी आदित्यनाथ नहीं सही है। मुस्लिम और यादव ये तो कहेंगे ही, लेकिन 90% वोट जाएगी योगी जी। सरकार बहुमत की बनेगी कि अल्पमत की? एकदम बहुमत से बनेगी। कितना सीट आएगा लगभग, कुछ आइडिया बताओ? 350 लगभग, मतलब आप एकदम प्रचंड बहुमत आ गया। अपने साइड देख रहे हैं, क्या पोजीशन है? नहीं, रास्ता में आया हूँ अभी, बड़ा खराब। अरे ये भी पास हो गया है जल्दी, ये भी पास हो गया है, सब कार्रवाई काम चल रहा है। आप मोदी के, योगी के दीवाने हैं क्या? एकदम पक्का दीवाने, भाजपा के दीवाने दिख रहे हैं। हाँ, अंदर चलिए नीरज सोनकर, तो हमें लग रहा है कि भाजपा और योगी के साथ हैं, मोदी के साथ हैं। इनका कहना है कि मैं भाजपा के साथ हूँ। एक आदमी कोई और आ जाए, आइए। बड़ा अच्छा, बहुत बढ़िया कपड़ा पहने भाई साहब, क्या नाम पड़ेगा आपका? जीतलाल जी, कैसा माहौल, कैसा वातावरण सरकार के माध्यम से लग रहा है आपका? एक नंबर का। और सपा को जाएगा, भाजपा को जाएगा, कांग्रेस को जाएगा, बसपा किसको देंगे? होगा भाजपा को। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी का बड़ा ट्रेड चल रहा है। प्रियंका गांधी आज के डेट में लोग बता रहे हैं कि पूरे देश में अपने आप में एक नायाब कार्य कर रही लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, क्या उससे सहमत नहीं है आप? जी नहीं। अब तो भाजपा से क्यों सहमत है, भाजपा को क्यों वोट देंगे? भाजपा का काम अच्छा है इसके लिए। अच्छा, भाजपा का क्या काम अच्छा है? गुंडा नहीं है, गर्दी नहीं है, खत्म है। नहीं, रास्ते तो मैंने देखा भदोही से अभी तक। अरे तो सब काम चालू है, ये तो लगा रहेगा। मतलब आपके हिसाब से भाजपा मतलब सबसे एक नंबर का, एक नंबर का। चलिए, जीतलाल का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी, यहाँ मैंने बहुत लोगों से डिबेट लिया, इंटरव्यू लिया, विचारधाराओं को जाना, मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कह सकता हूँ कि 90% लोगों ने भाजपा, योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में अपने विचार को प्रकट किया। मुझे लग रहा है कि दोबारा यह मेरा जलवा कार्यक्रम रामपुर थाने के करीब में जो है चल रहा है, यह कहर नहीं बल्कि कहर कह सकता हूँ। कहर के साथ साथ जो है भारतीय जनता पार्टी का यदि कहर है तो फर होगा। इसी विचारधाराओं के साथ आपका अपना, आपका हिंदुस्तान के एक बड़े चैनल का एक अपना सहयोगी सुजीत कुमार मिश्रा, धन्यवाद, थैंक यू।